बिस्किट बिस्किट मेरे हाथ में है, बिस्किट, चाय, माउंटेन्स, गुड मॉर्निंग गाइस। हम कल पहुँचे शिमला, बट बहुत मुश्किल से। मम्मी की तबीयत बहुत डाउन हो गई थी। अमृतसर में लास्ट तबीयत ख़राब हुआ था, वो थोड़ा स्टोमक इशू। यहाँ मतलब लॉन्ग डे से हम बाहर यहाँ वहाँ खा रहे हैं ना, तो उसके लिए हो गया था एंड स्टिल रिकवर हो रहा है। तो हम कल शिमला का ऑलरेडी टिकट बुकिंग था, तो हम पहुँच गए शिमला। तो वो 5-6 आवर्स का जर्नी बहुत मुश्किल था मम्मी के लिए। तो आके हम ये होम स्टे एक बुक किया था मैंने, बहुत ही अच्छा है वो मस्त होम स्टे। कल तो फुल रेस्ट लिया हमने एंड टुडे द मॉर्निंग सनराइज, अभी उठे हैं, बस चाय, ब्लैक टी, बिस्किट। मम्मी बस धूप सेक रही है, शी इज़ ऑन कॉल विथ हर सिस्टर। तो ठीक है, बाकी का देखते हैं क्या होता है। तो कल का तो रेस्ट हो गया, अभी देखते हैं नाश्ते के बाद इफ़ शी फील्स गुड देन विल प्लान। बाकी शिमला तो यहाँ से पूरा दिख रहा है। आई शो यू लाइक इन अ वाइल। चाय ख़त्म करती हूँ, कुछ ठंड हवा है थोड़ा, तो चाय ठंडी हो जाएगी, तो पीने के बाद बात करते हैं। यहाँ से आपको पूरा शिमला दिखता है। वो देखो ऊपर ऑरेंज, वो हनुमान जी का जो टेम्पल है। आपको फ्लैग भी दिखेगा यहाँ से। एक मिनट मैं देख लूँ फ्लैग कहाँ गया। अच्छा, फ्लैग वहाँ पे है बट इट्स नॉट लाइक, हाँ ये जो ये कहाँ से दिखाऊँ मैं आपको, यहाँ पे एक डंडा, हाँ, ये फ्लैग जो तिरंगा हिल रहा है ना, अभी हवा में जो लहरा आ रहा है तिरंगा, वो वहाँ पे वो मॉल रोड। बाकी पूरा शिमला नाइट व्यू बहुत औसम है यहाँ से। थोड़ी देर बाद हम वॉक के लिए निकले, देन वी हैड अवर ब्रेकफास्ट। इट वॉज वेरी प्लेन, प्लेन रोटी एंड आलू पराठा। एंड ये शॉप के भैया ने हमें बहुत मदद की फूड ऑप्शंस के लिए, हमें जैसे चाहिए था वैसे उन्होंने बना के दिया, जस्ट बॉयल वेजिटेबल्स एंड राइस, तो थैंक्स टू हिम। 14th नवंबर हम पहुँचे शिमला, आई मीन यस्टरडे दोपहर नून तक हम पहुँचे शिमला। वी चेकड इन एट अवर प्लेस एंड देन वी टुक सम गुड रेस्ट। शाम को हम निकले जस्ट टू वॉक अराउंड 10-15 मिनट्स एंड एज आई शोड यू द भैया शॉप, उन्होंने द प्लेन चावल सब्जी बॉयल करके हमें दिया, क्योंकि लाइक आवर कंडीशन वॉज टू बैड एंड वी नीड टू रिकवर फ्रॉम दैट। ये हमारे रूम के विंडो से कितना सुंदर नज़ारा है, सच अ ब्यूटीफुल व्यू। अभी जस्ट सनसेट हुआ, यू कैन सी द लाइट्स। मैं विंडो ओपन कर देती हूँ। अब ठंडा हवा, हाँ ये देखो, और ये शिमला फुल लाइट्स में। अभी और भी डार्क होगा तो और भी अच्छा लगेगा देखने को। सब यहाँ से दिख रहा है। फिफ्टींथ नवंबर मतलब आज का दिन, वी वोक अप दिस मॉर्निंग विद दिस ब्यूटीफुल सनशाइन, ब्यूटीफुल व्यू ऑफ द माउंटेन्स एंड हमारे विंडो से ये नज़ारा इतना ब्यूटीफुल, और हमारे रूम के विंडो से ये खूबसूरत व्यू का नज़ारा देखने का मज़ा ही कुछ अलग आ रहा था। इट वॉज सच ए फील। कैसे भी करके नीचे आई,
बंदर तो एक जंगल में गया, दूसरा पता नहीं कहाँ पे, दो ही थे वो लोग लड़ाई कर रहे थे, तो मैंने ताला खोला, अभी मम्मी पता नहीं कहाँ चली गई, मैं ढूंढती हूँ मम्मी को। यार साउंड करने में भी डर लग रहा है, आना चाहिए। आपको दिख रहा है वो बंदर? डंडा ले लो, डंडा रखती हूँ। आशो आई जा, आशो आशो गेट खुल चाहिए, जैसे क्या खुल गई चिल्ला। बहुत सारे हैं अभी ना, रास्ता जाती पड़ू ना मम्मी, रास्ते तो धुरबू। हाँ ये मैंने डंडा ले लिया था क्योंकि मॉन्कीज बहुत है, सुबह भी मैं ब्रेकफास्ट ला नहीं पाई थी, सो ये डंडा जिंदाबाद, जहाँ भी जाओ मेरे साथ एक डंडा चाहिए। तो हाँ तो मैं अभी ऊपर जाती हूँ। मॉन्कीज यहाँ पे बहुत तंग करते हैं, मतलब कल भी हुआ था आफ्टरनून टाइम, आज भी सुबह ब्रेकफास्ट ला नहीं पाई, तो ये डंडा लेके निकली थी, बट स्टिल दे वर ऑल ओवर हियर, तो मैं रूम पे ही चली गई थी डर के मारे, तो ब्रेकफास्ट हुआ नहीं कुछ ऐसा। बट हाँ अभी मैं फिर से ऊपर जाती हूँ। माई खाना दाराई बा बंद रह ले। हाँ जी नहीं, मैं और मम्मी, मैं और मम्मी आए, हम दोनों का ही मतलब प्लान था। कामियाना विलेज वॉक करते टाइम हमें ये दीदी है उनके साथ, उनके दो डॉटर्स मिले, वो लोग स्कूल से वापस जा रहे थे एंड दे वर सो काइंड एंड हैप्पी टू एकम्पनी अस टिल देयर विलेज। हमने वॉक करते करते उनसे थोड़ी बातें की, कामियाना विलेज के बारे में जाना, उन्होंने काली मंदिर भी दिखाई विजिट करने के लिए, बट हम जा नहीं पाए। काली माता, अच्छा ये काली माता मंदिर को लो जे, ये काली माता मंदिर है, काली माता मंदिर, वो दीदी बता रही थी यहाँ पे जाने के लिए, तो ये डॉगीज है, चलो। सारे देवदार ट्रीज और ये रहे पाइन ट्रीज, ये जो दिख रहे हैं ना नीचे पाइन ट्रीज, पाइन ट्री का ये फ्रूट होता है ऐसा, ये भैया ने दिया अभी, ऐसा होता है ना। ठीक है तो अभी चलते हैं, चलो माँ। मम्मी का तबीयत अभी भी थोड़ा बेटर है, तो अभी इसलिए हम चल के आए हैं अभी इतना दूर। बस वहीं पे हमने चाय पिया वो भैया के पास, कामियाना विलेज का स्टार्टिंग में है ये, बस अभी वापसी करेंगे, कुछ 10 मिनट का रास्ता है। डर लग रहा है थोड़ा। ये काली माता का एक एंट्रेंस है जाने का काली माता मंदिर में, वो चौड़ाई बहुत थोड़ी ऊंचाई में है। हाँ और ट्रीज तो भरे पड़े हैं, देवदार ट्रीज, वो जैसे मनाली में है ना, उसे देवदार ट्रीज में दिखाती।
पीछे स्ट्रेट वॉक करना है। डर मतलब रास्ता वगैरह सब ठीक है क्योंकि जंगल है तो बहुत सारे बंदर हैं तो उनसे डर लग रहा है। डॉगीज तो है ही माउंटेन्स में, तो डॉगीज है ही। मेरा डंडा वापस माउंटेन्स में, चलो चलते फटाफट। ये फर्स्ट वाला जो एंट्रेंस है काली मंदिर का, यहाँ से ये आपको जाते समय मिलेगा और कामयाना विलेज से वो दूसरा वाला मिलेगा। और ये धुदली का बस स्टैंड, ये फर्स्ट विलेज आता है। ये हो गया, वो है कामयाना विलेज। गोल गोल घूमना है रास्ता बस। चलो 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 चलो। वो देखो वहाँ पे दो बंदर हैं, दो बंदर कुत्ते सब डर रहे हैं डर के हमारे सब। हम वापस दूधली हमारे होम स्टे के सामने बस। ये आपके लिए ये क्या? ये कुछ नहीं, वो मिठाई था वहाँ पे और कुछ नहीं था। तो आपका खाना हो गया? नहीं। अच्छा, ये है नाइट का व्यू वहां से टेरेस से। वो जो ये रेड स्पॉट दिख रहा है ना, वो है जाको टेंपल जो मैं पहले दिखा रही थी। तो बहुत क्लियरली हर जगह दिखता है, हर मीन्स ऑल 360 डिग्री से वो स्पॉट दिखता है, उतनी मतलब ऊंचाई पे है। चलो मम्मी को मैं बंद करके गई थी। मैसी है ये मेन रोड है, यहाँ पे आके गाड़ी स्टॉप होगी, यहाँ से मतलब पार्किंग लगती है। तो यहाँ से ये जो स्टेप्स है ना, ये स्टेप्स से आप नीचे आओगे। ये ऊपर भी रूम्स हैं, ये सारे फ्लोर पे रूम्स हैं उनका, अलग अलग कमरे का मीन्स कपल का है, डबल है, फोर लोगों के लिए, सिक्स लोगों के लिए, सिक्स मेंबर्स के लिए। तो ये है रूम, ये है हमारा रूम जो हमें मिला था। इसके बगल में दिस इज़ द मेन हाईलाइट, ये बिग टेरेस है जहाँ पे लाइक बैठ सकते हो, शाम को सनराइज सनसेट देख सकते हो। दिस इज सच ए नाइस व्यू। This is the one. ये सारे उनके, ये जो एक बिल्डिंग इनका है, बगल में जाके द नेक्स्ट वन इज ऑल्सो देयर्स। वो जो स्टेप्स है इवन दैट इज देयर्स। तो वहाँ पे भी ऐसा सिमिलर रूम्स है। This is the one. And this is very spacious one. सिर्फ मॉन्कीज का डर रहता है क्योंकि सामने ही ऐसा जंगल है एंड मॉन्कीज आर ऑल अराउंड इवन इन द रोड्स। तो कुछ करते नहीं है, सब बोलते हैं, बट स्टिल डर तो लगती है ना। ये रूम है, सो आई जस्ट गिव यू ए रूम टूर हाउ द रूम दे हैव प्रोवाइडेड अस। तो थोड़ा मैसी है बिकॉज ऑलरेडी हम दो दिन रहे हैं एंड थिंग्स आर ऑल स्कैटर्ड। तो दिस इज जस्ट आफ्टर द एंट्रेंस, ये काउच है एक छोटा सा एंड वन सिंगल बेड, क्वीन साइज बेड। ये लगेजेस जो पैक्ड है अभी जाने के लिए, टीवी वाईफाई कनेक्शन है एंड दिस एंटायर एरिया चेयर्स है। एक चेयर यहाँ है, एक चेयर मम्मी लेके गई थी बाहर वहाँ बैठने के लिए, जो बैठने के लिए हम बाहर लेके गए थे। एंड विंडोज एक है, मतलब लाइट डे लाइट बहुत अच्छे से लाइक रूम पे फुल डे लाइट है, द सन लाइट एंड डे लाइट। तो बहुत ही वो घर वाला फील हुआ हमें यहाँ पे। एंड दे हैव दिस कपबोर्ड, तो यहाँ पे तो सामान रखे थे हमने, तो अभी जस्ट चेकआउट है करके सारा पैक्ड है। तो नाइस स्पेस्ड कपबोर्ड। और हाँ, एक टेबल है छोटा सा, जग वगैरह, पानी, गर्म पानी भैया मतलब
कंटिन्यूस जितना बार 4-5 बार मैंने मांगा पर डे तो उन्होंने गर्म पानी करके दिया, मतलब रूम पे वो कैटली सिस्टम नहीं है बट लाइक ही प्रोवाइड्स व्हेनेवर यू वांट. तो ये है एंड देन दिस बाथरूम, इवन द बाथरूम इज स्पेशियस. ये बाथरूम है विद द गीजर, वॉश बेसिन, वेस्टर्न कमोड, बाथिक स्पेस एंड दिस द रूम. सो हाँ सर, दिस इज ऑल अबाउट द रूम. इज वेरी कम्फर्टेबल, द स्पेस इज वेरी नाइस, वेरी स्पेशियस, बहुत घर वाला फील है. एंड हम बीमार थे, लाइक मम्मी, माई मॉम वॉज नॉट वेल, सो मैंने जैसे बताया इवन आई वॉज नॉट फीलिंग गुड, तो उसके हिसाब से दिस वॉज द बेस्ट स्टे. तो ये हो गया एक बड़ा वाला रूम. आई विल ऑल्सो शो यू द कपल रूम, तो आपको स्पेस का आइडिया हो जाएगा. इट्स जस्ट अबव दिस फ्लोर, तो मैं वो दिखा देती हूँ. एंड इनका खाने का सिस्टम यहीं पे है, तो वो दूर जाना नहीं पड़ता है. दे हैव लाइक इन प्रॉपर्टी इटसेल्फ भैया खाना बना के देते हैं, बट फिलहाल के लिए बंद है 10-15 दिन के लिए, सो वी कुडंट गेट दैट. बट ही हेल्प्ड अस विथ ऑल द थिंग्स, वट एवर हमें जो भी मतलब चाहिए थी. तो पास में ही ढाबा है, सो वट एवर काइंड ऑफ फूड, क्योंकि हेल्थ तबीयत खराब था, स्टोमक इशू था, तो हमने एकदम सादा खाना बनवाया था, तो वो ढाबा वाला भैया ने भी बहुत मदद की बना के दी. तो दिस इज ऑल फाइन, वेरी हॉस्पिटेबल एंड वेरी काइंड, वेरी जेनरस सब यहाँ के सब लोग. एंड वर्मा भैया ने मतलब बहुत ही मदद की थी. तो ये है. एंड प्लस एक दो हफ्ते में, लाइक इफ यू आर कमिंग हियर एनी टाइम, तो आपको तो मतलब खाने पीने का मुश्किल नहीं होगा, बिकॉज हियर इटसेल्फ यू विल गेट एवरीथिंग, चाय नाश्ता वगैरह सब कुछ मिल जाएगा. तो फिलहाल के लिए इतना, एंड आई विल शो यू द कपल रूम नाउ. दिस इज द वन. अच्छा, ये बड़ा वाला रूम है. ये बड़ा वाला रूम है, सॉरी ये कपल रूम नहीं है, ये लाइक 5-6 मेंबर्स वाला रूम है. तो ये एक बेडरूम, वो तो लॉक्ड है. ये विंडो व्यू, टेबल, एंड देन अनदर रूम विद द टीवी. यहाँ भी विंडो का व्यू एंड ब्लैंकेट्स तो भर के देते हैं भैया, वो टेंशन वाली बात नहीं है, क्योंकि ठंड पड़ती है बहुत, तो ब्लैंकेट्स आर देयर. ये अगेन एक कबोर्ड. तो ये सारे फैसिलिटीज हॉल रूम में है, सिर्फ स्पेस का डिफरेंस है एज पर द काउंट ऑफ द मेंबर्स. तो ये तो डबल बेड वाले हो गए. एंड यहाँ पे जाके ओके, लाइट्स नहीं है, बट दिस इज अ स्पेशियस वन. अरे ए बिग बाथरूम, तो ये जैसे फैमिली आते हैं ना एक साथ, तो उनके लिए बहुत सही है. तो कपल रूम आई थिंक वन मोर फ्लोर अबव होगा, मैंने सोचा था ये कपल रूम है. तो ये हो गया एंड इनका वेलकनी व्यू. ना बड़ो डबल बेडरूम देखबा आशा, दुईटा बेड आशा देखे जाओ. एंड ये इनका वेलकनी वाला व्यू यहाँ से. या एंड टेरेस में तो कोई भी आ सकती है, इसलिए कॉमन टेरेस. तभी फिलहाल ज़्यादा गेस्ट नहीं है, वो वाले रूम पे गेस्ट है जिन्होंने कपड़े सुखाने के लिए डाला हुआ है. एंड आई थिंक एवो वन इज देयर, बट या दिस इज वेरी पीसफुल. कपल वाला रूम मुझे पता नहीं कौन सा है, मैंने सोचा था ये आई थिंक द अदर साइड इज द कपल वाला रूम, बट यू कैन मेक इट आउट कि वो थोड़ा सा छोटा होगा, बट फैसिलिटीज इज ऑल सेम फॉर ऑल द रूम्स. ये है ओनली द स्पेस एज पर द काउंट ऑफ द मेंबर्स बढ़ते जाएगा, तो वैसा है. तो मैं बाकी डिटेल्स, भैया का डिटेल्स, द लिंक ऑफ द स्टे एंड एवरीथिंग ओके, मैं सारा डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. कैब आ गया है तो हमें निकलना है. Two night was awesome staying at Verma Bhaiya ka homestay mein. It was such a homely feel. Hum Shimla ko bye bye karte hue nikal padte hain Delhi ke taraf via Kalka. Kalka tak ka hamara safar rahega again in toy train. This time it will be rail motor. And yahan pe hum water refill kar rahe the. You know in mountains you get drinking water, fresh drinking water everywhere, and that's the best way to refill your bottles.
दिस टाइम इट विल बी द रेल मोटर. हम रेल मोटर में ट्रेवल करेंगे फ्रॉम शिमला टू कलका. एंड ये एपिसोड आप देख सकते हैं मेरे प्रीवियस व्लॉग में, how the experience was in the toy train. And with this I end this vlog. I hope you like the vlog and please keep supporting, like, share, comment and please subscribe, and see you in the next one soon. Till then, take care.